दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हाथी दिन भर अपने कान क्यों हिलाते रहते हैं और रोते क्यों रहते हैं, आखिर वजह क्या है? अगर नहीं जानते तो बने रहिए शॉर्ट वीडियो में मेरे साथ अंत तक, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने हाथियों को नोटिस किया होगा कि वो बार बार अपने कानों को हिलाते रहते हैं, बट इसका मेन कारण ये रहता है दोस्तों कि वो अपनी बॉडी की जो भी गर्मी होती है अपने कानों के जरिए बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, क्योंकि इनके कानों में ऐसी कोशिकाएँ होती हैं कि ये अपने कानों को हिला करके उन कोशिकाओं के जरिए अपनी बॉडी के एक्स्ट्रा हीटिंग को बड़ी आसानी के साथ में बाहर निकाल देते हैं। यही कारण रहता है दोस्तों अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत ही बड़े पाए जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर गर्मी बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी हमेशा रोते भी रहते हैं, बट दोस्तों इसका मेन कारण यह रहता है कि हाथियों को तेज रोशनी में बहुत ही कम दिखाई देता है, जबकि कम रोशनी के अंदर ये बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। इनकी आंखें बहुत जल्दी सूख जाती हैं, तो इनकी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से केमिकल निकल करके आता है और इनकी आंखों को गीला रखता है। बट दोस्तों, होता यह है कि इनकी आंखें गीली तो बनी रहती हैं, बट कई कई बार इस केमिकल का रिसाव ज़्यादा हो जाता है जो कि इनकी आंखों से बाहर टपक जाता है, जिसे हम लोग आंसू समझ बैठते हैं और हमें लगता है कि हाथी पूरा दिन रोते रहते हैं। बट दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ इनकी आंखों की पलकों के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके लिए हाथी की बॉडी से केमिकल निकलता रहता है। तो दोस्तों, यही कारण है हाथी दिन भर रोते रहते हैं और साथ ही साथ अपने कान भी हिलाते रहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये अमेजिंग फैक्ट जानकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये फैक्ट पसंद आया तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।